अंधे कत्ल का हुआ खुलासा। कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा, गला दबाकर मां की हत्या की। कमला नगर थाना क्षेत्र की घटना। पुलिस की जांच में आया कि अपनी प्रेमिका को वैलेंटाइन डे के दिन घर पर लाना जा रहा था बेटा, मगर मां ने मना कर दिया था। उसी बात को लेकर मां को मौत के घाट उतारा। पुलिस जाँच में क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। सर, बीते दिन एक मामला सामने आया था जहाँ पे बताया गया था एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या की थी, क्या कुछ मामला है, उसपे क्या कुछ कार्रवाई हुई है? थाना कमला नगर में 15 फरवरी के को ये एक रिपोर्ट की गई थी कि एक मृतिका की मृत्यु हो गई, एक महिला की मृत्यु हो गई है। उसके आधार पर मार्ग कायम किया गया। मार्ग कायम करने के आधार पर जब उसकी जाँच की गई तो उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। चोट के निशान के बाद कुछ थोड़ा संदिग्ध स्थिति में हमें उसकी मृत्यु प्रतीत हुई, जिसके बाद जब जांच की गई और लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसका बेटा ही उसका हत्यारा निकला, जिसके बाद में उसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई। पहले तो उसके द्वारा घुमाने का प्रयास किया गया कि उसके द्वारा मृत्यु कारित नहीं की गई है। अंततः पुलिस उसमें सफल रही और 24 घंटे के अंदर इस हत्या का खुलासा कर दिया। उसमें फिर उसके बेटे को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया गया। क्या कुछ वजह रही है कि मुख्य वजह की किस वजह से उसने हत्या का प्रयास किया? मुख्य वजह उसके द्वारा जो बताया गया है कि एक तरफा प्रेम की कहानी बताई गई है। वो जिस लड़की से प्यार करता था और उसे वैलेंटाइन डे के दिन अपने घर लाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उससे राजी नहीं थी क्योंकि वो उससे पहले से मनमुटाव चल रहा था। उस लड़की से जिससे प्यार करता था वो एक तरफा प्यार था, लड़की की तरफ से कुछ भी नहीं था। और जिस जब दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, थोड़ा उसके द्वारा धक्का दिया गया लड़के के द्वारा, जिससे माँ को चोट लगने के बाद में जब उसके द्वारा उसको चाटा मारा गया, देन फिर उसके द्वारा गुस्से में आके अपनी माँ को दुपट्टे से गला दबा के मृत्यु कारित कर दी। पहले भी मामले दर्ज थे और नशे का भी क्या आरोप है? नशे में का स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पहला मामला उसके ऊपर 354 का दर्ज है, पहले भी थाना कमला नगर में दर्ज है।